मेरे तमाम फैंस मेरे तेईस इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और वो उन लोगों का जो मुझे देखते हैं और उसके तवसल से मैं आपके पास आया हूँ मुझे ये बताएं कि उस्ताद गंज बेटर ये क्या नाम हुआ ये कैसे पढ़ा आपका नाम जी मैं ना तमाम कामों में बहुत अच्छा था एक तो the pleasure is all yours for having me here. आपका पूरा नाम क्या है उस्ताद गंजा बख्श नवाबुल्ला लंगर ओहो देयर इज समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट दुख दुख वाज माय फर्स्ट वीडियो विद जिशान

जो जा रहे होते हैं उनसे बिछड़ने वाले उनके रिएक्शंस जाने वालों के रिएक्शंस वेलकम बैक टू इर्जा खान पॉडकास्ट और अगर आप ये पॉडकास्ट देख के ये सोच रहे हैं कि आज इर्जा खान को क्या हो गया है वो इतनी तैयार शैयार शैार रीजन ये है मैंने अपनी शॉल उनके साथ मैच की है मैची मैची विद उस्ताद बेटर। ये! शुक्रिया थैंक यू सो मच मेरे तमामग्राम फॉलोवर्स उन लोगों का जो मुझे देखते हैं और इसके से मैं आपके पास आया। Thank you so much for coming. I'm very excited. मुझे ये 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 बताएं कि उस्ताद गंज बेटर ये क्या नाम हुआ? ये कैसे पढ़ा आपका नाम? नाम जी ना तमाम कामों में बहुत अच्छा था। एक तो the pleasure is all yours for having me here. आपका पूरा नाम क्या है? उस्ताद, लंगर। ओहो, उस्ताद गंज बेटर मैं इतना लंबा नाम भूल जाऊंगी अच्छा आपको किसने पाला हुआ है?

Yes, it is. <laughs> okay, जी, बने हुए इस पॉडकास्ट के लिए मुझे पता है क्यूँ कर रहे हैं आप ये <coughs> देखें जी मेरा काम क्यूरेशन तो I'm curating myself. <laughs> तुम्हें पता है दोस्तों के साथ जब आप पॉडकास्ट कर रहे होते हैं ना

अच्छा कितना मजा आता है ना जब हमें ये पता लगता है कि ओर सेम क्लाइंट था <laughs> <laughs> तो आप शुरू करेंगे कि मैं शुरू करूं आप शुरू करें मुझे जवाब देना ज्यादा अच्छा पॉडकास्ट अच्छा, ना इंटरव्यू नहीं होता है पॉडकास्ट कॉन्वर्सेशन होती है okay. ये आप भी शुरू कर सकते हैं और मैं भी शुरू कर सकती हूँ आप आपने शुरु बीच में जो बोलना है आपने मुझसे कोई सवाल करना है आप कोई कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करना चाहते हैं यू आर मोस्ट वेलकम आपने इसको एज इंटरव्यू नहीं लेना मुझे बताएं आपको क्यों लगा कि मैं अच्छा गेस्ट हूँ इस पॉडकास्ट के लिए मुझे ऐसा लगता है कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट और लोगों को आपके बारे में इतना नहीं पता ऑफ़ कोर्स दे नो कि आप रत्ता मीडिया चलाते हैं और आप वेडिंग्स कवर करते हैं लेकिन देर इज दैट साइड ऑफ योर्स जो कि किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं की है तो मुझे लगा कि आप एक अनटचड गेस्ट हैं तो अच्छा लगेगा आपके साथ कॉन्वर्सेशन करके वैसे इनिशियली uh, मेरा प्लान ये था कि रत्ता को जिशान के साथ बिठाया जाता क्योंकि फिर ये बहुत फनी कॉम्बो हो जाता यू नो लेकिन अभी तक मैंने जिशान का सोलो पॉडकास्ट नहीं किया इसलिए मैंने ये नहीं किया एक जिशान का सोलो पॉडकास्ट और उसके बाद फिर हम तीनों बैठेंगे डन आई एम श्योर वो बहुत हिट होने वाली चीज है इनशाला <laughs> क्यों नहीं सो वट आर यू अपू दीज डेज क्या चल रहा है लाइफ में अच्छा पहले मुझे बताओ मैं कैसी लग रही हूँ मैं बहुत तैयार हुई हूँ बहुत अच्छा आई लव द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द ग्रीन एंड द रेड इट लुक्स लवली एंड इट्स अ लवली कलर ऑन यू मैंने इसके सच बोल सच बोल ए की पहन रहे हो उस्ताद गंज बैठा अच्छी तो लग रही हूं मैं uh, uh, अच्छा आपके आपके एक्सप्रेशंस लेना चाहती हूं मैं गाना गा रही हूं मुझे आपके एक्सप्रेशंस चाहिए इरशाद इरशाद सादगी तो हमारी जरा देखिए वादे पर कर लिया आए रोने लग गए आप इतना दर्द था मेरी आवाज में <laughs> अभी तक कौन तकलीफ में क्या ओके सो साध प्लीज कम बैक मैं उस सात गन बेटर को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती ये मेरी बेजती भी कर रहे हैं बीच बीच में तो साद का एक और इंट्रोडक्शन ये कि एक तो ये आ, वेडिंग फिल्म्स बनाते हैं वेडिंग्स कवर करते हैं पाकिस्तान की बड़ी वेडिंग्स कवर करते हैं उसके अलावा इन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है जो शायद लोगों को ना पता हो तो एक तो हमारे गाने की वीडियो दुख की वीडियो साद रत्ता ने की थी और आपने हसन रोशान का सुकून विद वो भी आपने शूट किया था उसके अलावा क्यूबी और हसन रोशन का एक गाना है एंड वट इज दैट बंधन बंधन वो भी आपने किया उसके अलावा क्या-क्या किया आई हैव प्रोड्यूस्ड लिसिटीज गजब किया ओह एंड और आपके जो बहुत अच्छे दोस्त हैं ज़ेंजो हेप जी 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 रानजीया वे जी जी वेरी hmm, नाइस nice. तो हम सारी म्यूजिक वीडियोस का एक्सपीरियंस भी आपसे सुनेंगे कि कैसा रहा स्टार्टिंग विद दुख द एक्सपीरियंस इज इन द नेम

Oh, लोग you. होते हैं कि आप उनसे मिलते हैं आप कि उनसे दोस्ती भी होती है लेकिन जब आप उनके साथ काम करते हैं तो वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है आप कहते हैं कि ये वो बंदा नहीं है जिसको मैं जानता था मुझे तो बहुत काम लगे सेट पर और जैसे हम फ्रेंड्स हैं उसी तरह का तुम्हारा बिहेवियर भी था मुझे नहीं लगा कि तुम पैनिक कर गए ओके okay, ये क्या हो रहा है वहां से हटो ये करो वो करो एक चीख हम जो होती है सेट्स पर यूजअली

आ, uh, हमें ये पता था कि हमने पानी का एलिमेंट रखना है क्योंकि द सॉन्ग फ्लोज लाइक वाटर ओके बस के जो लिरिक्स थे कि जिंदगी है कितनी हसीन है फिर भी कहीं अजब तन्हाई तो दैट सैडनेस एंड हैप्पीनेस एंड सॉलिट्यूड अकेलापन खुशी और दुख सब कुछ एक ही चीज कंटेंट कहाँ पर आ सकता है विजुअल फिर एक दिन आई वाज एट अ फ्रेंड्स हाउस और उसके कमरे में ना सिर्फ एक फिश बोल पड़ा था जिसके अंदर एक गोल्ड फिश थी एंड आई वाज जस्ट टेयरिंग एट इट फॉर जस्ट इंस्टेंटली क्लिक्ड कि व्हाट इज इट लाइक फॉर जिंदगी क्या होगी एक मछली के लिए फिश बोल शी इज लिविंग इन दिस ब्यूटिफुल एक्वेरियम एंड शी इज अलोन बट शी इज सो ब्यूटीफुल ब्यूटिफुल हर लाइफ इज ब्यूटिफुल एंड अलोन एंड फुल ऑफ सॉलिट्यूड एंड शी इज इन वॉटर उस

क्या thought process था जिससे आपने वो वीडियो बनाई ठीक है तो आप वीडियो अपनी के के लिए बनाते हैं मैं हर के point of view से पूछ रही ठीक है जिसने भी shoot करना होता है वो वीडियो अपने लिए बनाता है वो कॉन्सेप्ट अपने लिए करता है या फिर वो लोगों के लिए कर रहा है कि लोगों को तो पता भी नहीं कि वो क्या हो रहा है उसके अंदर एक

हो क्या रहा है ये कितने hmm. अजीबो गरीब रंग है रंग तो होते ही है, और जब उन्हें सा, आ, साथ में सही रंग आप काम अपने लिए करते हैं या लोगों के लिए करते हैं आप एंड प्रोडक्ट अपने लिए बना रहे हैं या लोगों के लिए बना रहे हैं? मैं अगर अपने लिए बनाता हूँ तभी लोग अपने लिए मुझे हायर करते हैं बिकॉज दैट

कौन सी चीजें चल रही होंगी और वो तस्वीर तो देखते हुए सबसे पहले बाद में दूसरी तीसरी चौथी पांचवी चीज क्या नोटिस करेंगे तो उन तमाम कैलकुलेशंस को लेके जब एक फ्रेम आपके तमाम एक्सपीरियंसेस के नतीजे में जो निकलता है hmm. तो आई थिंक वो दूसरे के लिए तो होता है वो आप अपने लिए भी खींच रहे होते हो कि आप अपने आप को बता सको कि आप जो कर रहे हो जिंदगी में अच्छा बढ़ तस्वीरें तो बहुत लोग खींच रहे सेंस कह सकते हैं अब इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि जब आप एक गाना सुनते हैं आपके पास कोई आया जैसे हम भी आए थे के दुख सुनो और बताओ तो वो जो विजुअलाइजेशन का प्रोसेस होता है बहुत क्विक था वो कैसे होता है वो इंस्पिरेशन कैसे मिल जाती है फॉरन से आई थिंक uh, दो तीन एलिमेंट्स होते हैं वैसे बहुत अच्छा सवाल है ये

निकाल दूं जो उन्हें आइडिया सुनने में तो बहुत अच्छा लगे जब मुझे पता हो कि मेरे दिल से और मेरे दिमाग से नहीं निकला वो और अभी तक आपने कोई बहुत बिग बजटेड वीडियो नहीं शूट की राइट आ, आ, नहीं शादियां करने का एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये है कि आपको बहुत ही महदूद रिसोर्स के साथ

When we first met, तो जिन्होंने भी हमें था, उन्होंने रत्ता के के बताओ तो सही की रत्ता है रत्ता नहीं है वो लाहौरियों का ना रेड़े का मसला, मसला होता था इसलिए मैंने उम्मीद नहीं रखी ठीक है इनका मकसद यही होगा कहने का रेड़े तो कह रहे होंगे एक फ्रेंड है हमारे तो उनको लगता था कि आपका जो इंस्टाग्राम का नाम है वो रत्ता मीडिया नहीं है यात्रा मीडिया है हाँ जी किन दोस्त के जिक्र हो रहा है <laughs> हो रहा है बस किसी दोस्त का जिक्र <coughs> तो मतलब आपको खुद बताना पड़ता है कि ये ये नहीं ये है ओके हुँ.

वहाँ पर जब लोग आ रहे होते हैं वो अपनों से मिल रहे होते हैं जो जा रहे होते हैं उनसे बिछड़ने वाले उनके रिएक्शन जाने वालों के रिएक्शन दो चीज़ें मुझे बहुत फैसिनेट करती हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं शादियों पर जा जा के तंग आ सकती हूँ एंड आई लाइक टू ड्रेस अप मुझे अच्छा लगता है कि हाँ भाई माइयों के इवेंट पे जाना है ओके मैं ऐसा कपड़ा पहनूंगी अच्छा बारात के इवेंट पे जाना है अच्छा मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी अच्छा मुझे वलीमे के इवेंट पे जाना है मुझे ऐसे कपड़े पहने फिर वहाँ पर जाकर इतने इतने लोगों के उस वक्त

फाइनेंशली uh, शादी के शोज पर पैसे बेटर होते हैं <laughs> okay, <laughs> क्योंकि वो शायद उनका दिन होता, तो वो खुल के भी लगाने को तैयार होते हैं। <laughs> of course, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है पैसा होगा तो आप अपनी क्रिएटिविटी और अपना आर्ट भी कर सकते है अदरवाइज कैसे कर सकते हैं

बहुत सारी डेफिनेशन है के। क्या मेरे लिए जो सबसे बड़ी डेफिनेशन है वो दुल्हन जो इन्वॉल्व हो इस तमाम प्रोसेस में और अपनी इमेज को और अपनी विजुअलाइजेशन को पूरी अपनी शादी की इतनी इंपॉर्टेंस देती हो कि हमारे साथ इन्वॉल्व होके अपना फाइनल विजुअल तय कर सके वो है मेरे लिए रता ब्राइट एनर्जी एंड द पेशेंस टू हेल्प अस क्यूरेट व्हाट दे नीड एंड कैन हैप्पी विद

लेकिन यू डोंट पोस्ट दैट मच काम मुझे पता है तुम्हारा सिस्टम भरा हुआ है चीज़ों से लेकिन बहुत कम चीज़ें पोस्ट करते हो वाई इज दैट आई थिंक एक ओ, टर्म यूज होती है ना आर्ट सर्कल्स में यू बिकम एन आर्टिस्ट आर्टिस्ट मैं फिलहाल उस पिटफॉल से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तस्वीरें उस नज़र और उस बारीकी से देख रहा हूँ कि मैं अगर

उसके उस इमोशनल सोर्स के नतीजे में क्या हो रहा है उस तस्वीर में और वो तमाम चीज़ें जो एलिमेंट्स एक विजुअल के हैं उन्हें इस्तेमाल करते हुए आपने वो सब कुछ फ्रेम कैसे किया ये बहुत सवाल है जो ओवर टाइम यू एस योर सेल्फ एज अ फोटोग्राफर एंड यू बिकम अ बेटर फोटोग्राफर तो आई गेस मैं जब कोई तस्वीर लगाता हूँ मीडिया आ, के पेज पर तो इट आंसर्स ऑल ऑफ दोस्त क्या ये एक रत्ता फोटो है, परफेक्ट इन एवरी वे दैट द ब्राइड वांट्स टू सी हर जिस तरह मैं देखना चाहता हूँ जिस तरह विजुअल एस्थेटिक स्टैंडर्ड्स जिन पर मैं पला बढ़ाऊ वो उन पर बैठते हैं या नहीं या फिर ये क्या के कहते हैं मेरी पुरानी तस्वीरों में से किसी से मुशाबेहत तो नहीं रखती अच्छा तुम ये भी देखते हो कि पुरानी चीज से नहीं मिलनी चाहिए हाँ बिल्कुल अब मेरा जो हमारा पेज इट्स लाइक अ पोर्टफोलियो व्हेन आई हैव ऑलरेडी डन समथिंग एंड इट्स बीन कॉपीड थाउजेंड टाइम्स ओवर व्हाट इज द पॉइंट ऑफ पोस्टिंग इट अगेन आई डोंट वांट टू ट्रेल ट्रेंड्स आई वांट टू क्रिएट देम ओके आई अंडरस्टैंड बट इट्स द एज ऑफ इंस्टाग्राम ठीक है फॉलोअर्स काउंट मैटर करता है और आप एल्गोरिथम छेड़ देते हो जब आप रोज पोस्ट नहीं कर रहे हो छेड़ता रहे एक ना एक, तो सोशो इकोनॉमिक रियलिटी है जो मैं बयान करना चाहूंगा चूंकि मैं एक मखसूस किस्म के प्रोसेस और आ, इंटेंसिटी और स्किल सेट के साथ तस्वीरें खींचता हूँ इसलिए हमारी क्लास तो फिर आप बाद में क्या कहते हैं डायसेक जब आप करते हो आपको अंदाज़ा होता है अच्छा आ, मुझे अफोर्ड करने वाले लाहौर में शायद तीन सौ चार सौ घर आने और वह तमाम लोग तो मुझे पहले ही जानते हैं तो आवाम के लिए लगाने के नतीजे में मुझे जो माइलेज मिलेगी क्या उससे मेरी क्लाइंटेल बढ़ जाएगी इस मौजूदा मार्केट में तो नहीं लेकिन शायद वो मार्केट यहां पे मैं एक्सपैंड करने जाता वहाँ पर हो जाएगी तो उस कंफर्ट ने भी मुझे के कितना जरा सा चौड़ किया है आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इतना ऑनेस्ट आंसर इट इज ट्रू इट्स आल्सो ट्रू आई फील लाइक के के एक दिन आएगा शायद मुस्तकबिल में कि मैं इतना कंफर्टेबल होऊंगा अपने क्राफ्ट और इसके फ्लो के साथ के मैं तमाम चीज़ें जो है एक इतन, इतनी स्ट्रेसफुल लेवल ऑफ क्यूरेशन के साथ ना पेश करूं बट आई थिंक ज़रूरी है hmm. uh, चूँकि मैं मैं बहुत बुरी आदत है आई जस्ट हैव टू बी बेटर दैट्स हाउ आई वाज रेज्ड दैट्स हाउ आई हैव लिव्ड माय लाइफ बीइंग बेटर बीइंग बेटर इज ऑल आई नोन ओके अब तो माशाल्लाह बड़ा गुड सीन है लेकिन अह uh, लोगों के लिए हमेशा ऐसे नहीं होता कि आपको बस एक चीज मिल गई और आप ऐसे झट से फेमस हो गए और आपका काम भी इतना महंगा बिक रहा है देयर वाज अ टाइम जब आपकी कंपनी डिफॉल्ट भी कर गई थी राइट व्हाट वाज दैट वो कैसे हुआ और फिर रत्ता मीडिया का रिवाइवल कैसे हुआ ओह जायंट कमबैक बहुत अच्छा सवाल है इसके बहुत सारे अच्छा फॉर दिस आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज कि कहते आई एम एन आर्टिस्ट ओके ना मुझसे पैसों की बात सुनी जाती है ना की जाती है नंबर्स मुझे जो है स्केयर करते हैं नंबर्स वो किसी और के करने वाली बात है मैं नहीं कर सकता मैं उतनी ही मेहनत करूँगा उस उसमें जिसने मुझे उसके एक फ्रैक्शन पैसे दिए हुए और उसमें जिसने मुझे कहते के हैं मेरा हाईएस्ट पेबल अमाउंट पे की ठीक है तो वो फर्क भेद ना ना रखना के एक बहुत बड़ा क्या के कहते हैं वो

कि इन चीजों पर बात नहीं आएगी दे विल रिमेंबर द वंडरफुल एक्सपीरियंस दे हैड विद अस दे वुड रिमेंबर कि कितना वी वर देयर टू रिस्पोंड दे वुड रिमेंबर दैट दे गॉट दैट थिंग्स ऑन टाइम और इसलिए मैं आर्ट भी कर सकता हूं hmm. क्योंकि ये तमाम चीजें तो कोई और देख रहा है मैं मैं अपना काम बेहतरीन करूं परफेक्ट तुमने तो क्या पढ़ा है जर्नलिज्म कहां से बीएनयू सर ओके और किस ईयर में आपने किया था 2018 आई ग्रेजुएटेड इन 2018 ओके okay, तो आप मुझसे दो साल छोटे हैं <laughs> तो सारा सवाल <laughs> 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 नहीं हुआ कुछ कम बैक अच्छा 2018 तो दो हजार में ग्रेजुएट किया और बिजनेस उसके बाद शुरू किया है ना मैंने 2018 में शुरू कर चुका था तो वो पब्लिकेशन uh, के लिए कब लिख रहे थे वो जर्नलिज्म वाला काम कब का पूरा था जॉब हाँ, सा, हाँ, क्या थी माई फर्स्ट जॉब वॉज इन क्लास एट एक वेबसाइट होती थी .com. वे वे यार बचपन से ही तुम पैसे कमा रहे थे हाँ बस वस, उस हाँ. तरह की चीजें करते तो इंस आई थिंक अब उसका नाम कुछ और है? ओके okay. ठीक है तो उस पर मैं लिख कर कमाया करता था क्योंकि मेरी अंग्रेजी हमेशा से पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा अंग्रेजी मेरी बहुत अच्छी थी, थी लिखने में hmm. तो वो उससे इस्तेमाल करते हुए आई गेस दैट वुड काउंट एज माय फर्स्ट पेड जॉब कई साल मैंने उधर काम किया फिर उसके बाद फिर उसके बाद मैंने कुछ अर्से तक ये सोचा कि, कि, कि शायद मैं एक अकाउंटेंट बन जाऊं और उसके बीच में कोई जॉब नहीं थी एक एक्चुअरी बन जाऊं नहीं नहीं जॉब्स तो मैं कर रहा था ऑन एंड ऑफ आई वुड मेक माय ओन मनी वो तो okay. कहीं ना कहीं कभी बताना चाहिए या नहीं लोगों की डिसर्टेशंस भी लिखी है मैंने अच्छा आ, बहुत कुछ लिखा मैंने, आ, है मैंने किताबें ट्रांसलेट की हैं मैंने इस के बहुत सारे काम किए जिनका अक्सर का इधर जिक्र भी नहीं कर सकता क्रेडिट्स के साथ क्रेडिट्स के बगैर क्रेडिट्स के बगैर ओके लेकिन तुमने पैसे ले लिए पैसे ले लिए ओके okay. और फिर कब रत्ता मीडिया से घर पे सो रहे थे और कहा कि नहीं बस मैंने वेडिंग फोटोग्राफर बनना ये ट्रांजिशन कैसे हुआ ये ट्रांजिशन ऐसे हुआ कि एक दिन आए कुछ ऐसे हालात बन गए कि मैं कहते जर्नलिज्म कंटिन्यू नहीं कर सकता था ओके okay. मैं मुझे अंदाजा हुआ कि मेरी Uh, शख्सी जती और समाजी तबीयत के साथ जो है ये पेशा नहीं बैठता okay. और ना मैं इस तरह का इंसानों के इन तमाम चीजों को झेल सकूँ hmm. तो डॉक्यूमेंटेशन का तो मुझे बहुत अच्छा शौक था ठीक hmm. है अब उस डॉक्यूमेंटेशन को थ्रू विजुअल मीडियम किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं आई थिंक दैट इज वेयर वेडिंग फोटोग्राफी वेन शुरू शुरू में द टेक्निकल नेचर ऑफ हाउ विजुअल वर्क वो मेरे ऊपर इतना आया नहीं था तो आई वुड जस्ट फोकस ऑन द इमोशन And over time, मुझे उस इमोशन को एक temporal nature में दिखाने, दिखाने की भी समझ आ गई so तो like बहुत से उस्ताद हैं मेरे आई थिंक एक मेरे उस्ताद साहब थे शाहिद मलिक साहब बी बी सी उर्दू के आ, बहुत ही मशहूर आपके जर्नलिस्ट सर्कल में प्रोफेसर हैं उन्होंने बहुत मदद की कि एक टेक्स्ट को कंस्ट्रेंट कैसे किया जा सकता है फॉर एन इम्पैक्ट अलावा और सारा लिस्टर अब वो सब एडिटर हुआ करती थी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में उन्होंने मुझे बहुत अच्छा समझाया कि कितने कहते हैं एक कहानी के अंदर एम्पथी कैसे डेवलप की जाती है एक लॉन्ग फॉर्म पीस वो उन्हीं के एक दोस्त थे शेरली आ, हेरल्ड के लिए लिखा करते थे उनके पीसेस पढ़ाकर कि एक ऐसा इशू जिससे आप अनअफेक्टेड है ओके या यू आर अ थर्ड पर्सन ऑब्जर्वर क्या आपने क्या कहते हैं रीडर को इन्फॉर्म भी करना है एंड बाय द एंड ऑफ इट योर अल्टीमेट गोल इज टू डेवलप एम्पैथी फॉर द कैरेक्टर्स दैट यू टेलिंग अ स्टोरी अबाउट ये दैट इज अ कोर जर्नलिस्टिक स्किल आई थिंक वो वाली स्किल आई कुड ट्रांसप्लांटेड इट टू माय वेडिंग फिल्म्स इज दैट इज वेयर इट ऑल स्टार्टेड विजुअल्स ओवर टाइम बेहतर होते गए लेकिन दैट कोर प्रिंसिपल ऑफ जनरेटिंग एम्पैथी टीम कैसे बनी लोग कहां से मिले बहुत हर जगह से हर कोने से, कोने uh, जो बेहतरीन टीम के मेरे हैं वो विजुअल आर्टिस्ट the लोग कोई मौजूद ही नहीं है मेरी इंडस्ट्री में कलेक्टिवली पहला इवेंट कैसे मिला था? Like, जैसे अब तुमने सोच लिया कि हाँ मैं ये काम करने लगाऊ तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है कहाँ से आया पहला इवेंट हमारे एक बहुत ही क्या कहते हैं दो तीन लोग हैं जिन्हें मैं शुक्रिया अदा करूँगा एक तो वो है हमजा बुखारी okay. जीम के जो क्रिएटिव डायरेक्टर थे उस वक्त मेरे ख्याल से मौजूदा उनका ब्रांड डेमो जो है वो इसके कपड़े बहुत इंटरेस्टिंग ठीक है आ, उन्होंने मुझे कनेक्ट किया एक दो लोगों के साथ

तो इसलिए मेरे लिए ये रास्ते और के तय करना थोड़े से आसान इसलिए थे 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 क्योंकि मैं लोगों को जानता था वो वो मुझे जानते वेल कनेक्टेड कनेक्टेड तो नहीं वो आप किसी के शादी वैसे तो नहीं किसी से इंटरेस्ट कर सकते तो मैंने hmm. अपना uh, well तो मैं था, hmm. की <laughs> उन चीजों को इस्तेमाल करते हुए तो दैट इज वेर इट हैपेंड इन लोगों ने मुझे हेल्प की किसका था पहला इवेंट कुछ याद है पहला इवेंट किसका था पहला इवेंट था बहुत ही क्या कहते हैं एक, एक मामूली सी शिफ्ट के पैसों में मैंने hmm. ये इवेंट किया था लेकिन थैंक यू सो मच आई लव डूइंग हर वेडिंग एंड वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई दो हजार अठारह तो मतलब मुझे कल की बात लगती है दो हजार अठारह में तो मेरी भी शादी हुई थी you know? wow. हाँ, फैब दो हजार अठारह में और लिटरली ये मैं अभी देखती हूँ ना ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उस दौर में वेडिंग फिल्म्स का इवन रील्स भी नहीं बनती थी <coughs> हमें सिर्फ यही होता था कि हाँ तस्वीरें आ जाएं बस ओ, oh, मेरे पास हिस्ट्री है हाँ बताओ ना आई थिंक पाकिस्तान में क्या कहते हैं तो, सोशल मीडिया पर के वेडिंग्स का विजुअल जो है वो लोग ढेर सारे देखें और आ, उसके नतीजे में आप अपना भी विजुअल क्यूरेट करो ये ना दो तीन लोग हैं देर आर देट है एक तो इरफान एहसन ही स्टार्टेड putting them up on facebook and uh, people started getting traction and figuring out wow well lit photos look so nice hum itne haseen lag sakte hain ki itni pari hamari tasveere lag sakte hain logon photos khichwana shuru uh, the videographers mm -hmm. the videographers did something unhone a cinematic visualization concept tha wo introduce karwaya and for the longest time I was, I was so inspired by their videos they were mm -hmm. amazing creative and

वो कम्फर्टेबल हो गए थे okay. वो comfortable हो गए थे उन चीजों के, okay. तो के, के, ले के अच्छा होगा लेकिन इस विजुअल में एक कलेक्टिव नैरेटिव और इम्पेक्ट किस तरह आ सकता है मेरी स्किल्स के साथ सही. तो मैंने नए नए नैरेटिव स्ट्रक्चर्स डेवलप करना शुरू किए एक ऐसे पैटर्न्स जो एक सर्टन कर्व की तरह एक पूरी कहानी शुरू से ले एंड तक आ, आप बता सके अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं ना किसी भी कहानी किताब नैरेटिव के के और फिर आप सर्टन पॉइंट पे सर्टन चीज़ फील कराना चाहते हो और शादी वही है बार बार वही हो रही है और उसे आपने ट्रीट इस तरह करना है कि हर दफ़ा नैरेटिव अलग आए हर दफ़ा इम्पैक्ट अलग आए कैरेक्ट्राइजेसन अलग हो और सब हर दफ़ा आप फील कर सको तो उसके लिए मैं अपने आप को पुश करता रहा हर दफ़ा मैंने कोई नया स्ट्रक्चर नया नैरेटिव डेवलप किया

जिसने मुझे क्रिएटिव लिबर्टी दी वजमा की जो क्रिमसन वाली वीडियो है वो मेरे लिए कमेंटरी है कि एक शादी का ट्रांजैक्शनल नेचर क्या होता है यो गिविंग समथिंग यो टेकिंग समथिंग एंड दैट इज द एंटायर कैपिटलिस्टिक नेचर ऑफ व्हाट अ वेडिंग इज इट इज ट्रांजैक्शनल तो उस मेटाफर को एक वेडिंग वीडियो और इंपैक्टफुल वेडिंग वीडियो के अंदर इंकंपस करना वो मेरे लिए कामयाबी थी एंड थैंक यू वाजमा फॉर लेटिंग मी डू इट अच्छा मैं एक ब्राइड हूं मैं तुम्हारे पास आई हूँ और मैंने तुम्हें बुक किया है ठीक है पैसों पे हमारी डीलिंग हो गई है अब तुम्हारी मुझसे क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या-क्या एक्सपेक्टेशंस हैं रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस मतलब मेरा कहने का ये है कि क्या मैं तुम्हें डिक्टेट करूंगी कि मुझे ये ये ये, ये चाहिए या तुम मुझे बताओगे कि मुझे ये ये ये, ये, ये चाहिए नहीं बिल्कुल मैं आपसे सुनूंगा क्या-क्या कहते हैं आप किस तरह दिखना चाहती हैं क्या आप फील करना चाहती हैं अगर इन तस्वीरों के नतीजे में दस बीस साल बाद क्या याद रखना पसंद करेंगे हर कोई तो नहीं चाहेगा कि वेडिंग इज़ अ मेटाफर और लाइक हाई इम्पैक्ट विजुअल फिल्म तो आपकी शख्सियत को पहचानते हुए आपसे बात करके और आपकी क्या के कहते पसंदीदा चीज़ों के नतीजे में जो बेहतरीन चीज़ होगी वो आई वुड रिकमेंड कि हम ये कर सकते हैं और उसके नतीजे में अगर आपने कुछ चीज़ें पहले से प्लान ना की हुई उन्हें आई एल हेल्प यू डिसाइड के इन्हें इस तरह क्यूरेट कर लें और उसके नतीजे में हम ये बना सकेंगे okay. आ, बहुत कुछ बहुत चीज़ें हो सकती हैं उसमें कुछ हर बंदे की ना स्ट्रेंथ्स मुख्तलिफ होते हैं ठीक है कुछ लोग आर रियली गुड विद वर्ड्स ठीक है उन्हें आ, अल्फाज उनकी स्ट्रेंथ होते हैं और आप फिर चाहते हो कि वो बहुत ही एलिक्वेंट क्यूरेटेड तरीके से आ, अपने अल्फाज और अपने इमोशंस बयान करें ताकि आप अपनी वेडिंग फिल्म में इम्पेक्ट के सोर्स की तरह इस्तेमाल कर सकें ठीक है कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं इन क्यू स्टाइलिंग तो फिर उनका आ, आ, उनके विजुअल प्रेजेंटेशन में यह हो जाता है कि आप उनकी स्टाइलिंग और तमाम जो विजुअल क्यूज उन्होंने आपको उस तरह दिए हुए कि जो बाकी लोगों से मुनफरद है उन्हें इस्तेमाल करके उन्हें एग्जेजरेट करके हुँ. एक विजुअल बनाए और आ, कुछ लोग इस तरह होते हैं कि वो कहते हैं कि हम सिर्फ इमोशन चाहते हैं वो सबसे आसान होता है hmm. जब वो कैसे आसान होता है वो सबसे मुश्किल नहीं होता आई थिंक Have you heard of the the expression journalists use fly on the wall? Hmm. ये मेरा Uh, that is the best way for my team to function. Fly on the wall. Hmm. एक ऑब्जर्वेंट नॉन इंक्लूसिव तरीके से किसी जगह पे कान और आंख दोनों से शूट करना अच्छा ये तुम तो कर सकते हो

कि कहां पर आपके आ, आ, 360 में कौन क्या महसूस कर रहा है तो फिर आपका जितना मर्जी हिलता हो कैमरे पे कम से कम आप कैमरा उस तरफ पॉइंट कर सकोगे कि ये मैं जो कहानी बताना चाह रहा हूँ उस वक्त मेरा कैमरा वहां पे आ, फ्रेम करना ज्यादा जरूरी है और फिर उसके नतीजे में फिर बाद में आपके पास वो विजुअल या नैरेटिव कंस्ट्रक्ट करने की फुटेज मौजूद होगी जो आप करना चाह रहे हो अगर आप बेदिली और एक सिर्फ एक विजुअल आर्टिस्ट की तरह सोच के वेडिंग कवर करोगे ना एंड hmm. hmm. exactly hmm. उस सांचे में नहीं डाल सकोगे आप क्योंकि आपने महसूस ही नहीं किया hmm. आप ना क्या के कहते हैं दुल्हन की माँ के साथ रोए और आपका कान जो है क्या के कहते हैं पीछे की आ, पीछे हुई दुल्हन के बाप और देगो वाले की लड़ाई नहीं सुन सकता था इसलिए आपने वो मिस कर दिया <laughs> वो भी इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप क्या कहते हैं कितना फादर ऑन द डे ऑफ अ वेडिंग ये डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ इस तरह के कितने आते हैं छोटी छोटी चीजों पर हो सकते हैं तो वो उन चीजों पर नजर और आंख रखना जब आप इवेंट पर मौजूद हो वो आपका काम है और वो तभी मुमकिन है आपके कानों और आंखों दोनों से देखना अगर अगर आपके पास है hmm. अगर आप ये सोच के जाओगे अच्छा जी मैं बेस्ट करनी है। hmm. मैं है, ओनी चाहिए है फिर आ, सब कुछ लाश पाश लगना चाहिए वो जरूरी है। hmm. लेकिन वो तमाम चीजें आप एक्सट्रैक्ट कर सकोगे जब आपके पास एम्पथी टेक्नीशियन

Colleagues. But don't you think थिंक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंडियन ट्रेंड्स कॉपी हो रहे हैं उनकी पिक्चर्स किस तरह की होती हैं कि जैसे वो पीछे वो सूरज नज़र आया कटरीना के पिक्चर्स में तो सबको वो सूरज चाहिए अपनी पिक्चर्स में उसने साबिया साची पहन लिया तो उसको साबिया साची पहना उसने तरुण तहलियनी पहन लिया तो उसने वो पहनना है फोटोज भी एक्जैक्टली exactly, जो अगर वो पेस्टल्स यूज़ कर रहे हैं तो इनको भी पेस्टल्स यूज करना है प्रियंका रेड ऑन रेड करेगी तो रेड और गोल्ड के साथ उन्हें पिक्चर्स चाहिए यू you नो know, मतलब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पाकिस्तानी मार्केट कॉपी करती है इंडियन मार्केट को आ, हमारा चूंकि कितना है वो कल्चर इतना साझा रहा है हजारों साल से आई थिंक सत्तर साल की सेपरेशन से वो इनफ्लु और जो चीज़ें पसंद की जाती हैं वो वो आप सेपरेट नहीं कर सकते इधर भी दुल्हन को देखना है एक साउथ एशियन दुल्हन की तरह हाँ. ना इंडियन ना पाकिस्तानी साउथ एशियन दुल्हन लगना है अब वो डिलीनिएशन जो है अमीर लोगों के लिए और भी ज्यादा क्या कहते हैं इजी टू क्रॉस है हम इफ यू वांट टू वेयर अ सर्टेन डिजाइनर एंड यू थिंक यू लुक ग्रेट इन इट इट डजंट मैटर इफ देयर इन पाकिस्तान और इंडिया और वेयर एवर विल वेयर दैट डिजाइनर यही है है hmm. अगर कि किसी को कुछ अच्छा लगता है वो पहन लेता है वहाँ से hmm. कुछ अच्छा लगता है यहाँ से तो वो यहाँ से पहन लेता है इंडियन uh, ट्रेंड्स जो हैं बिल्कुल हम मखसूस इंडियन ट्रेंड जरूर कॉपी करते हैं जो सेलिब्रिटीज जो हैं उनको इन्फ्लुएंस होता है उसके नतीजे में इन्फ्लुंस होकर हम चाहते हैं कि हम भी वैसे लगें प्रोजेक्शन hmm. है ना सोशल मीडिया इट इज़ अ प्रोजेक्शन ऑफ हु यू वॉन्ट टू बी रेदर दैन हु यू आर एट टाइम्स एंड आई थिंक दैट कैलकुलेशन प्लेज इन इट तुम uh... कोशिश करते हो कि तुम अपने क्लाइंट को कन्विंस करो कि नहीं आप कॉपी ना करें मैं आपको बेटर आइडिया देता मैं मेरी कॉन्स्टेंटली ये कोशिश होती है कि मैं वो काम दोबारा ना करूं जो मैं पहले कर चुका हूं या किसी और ने पहले किया हुआ है हां मेरी कॉन्स्टेंटली ये कोशिश और क्या कहते हैं मेहनत मेरी इसी डायरेक्शन में रहती है कि मैं वो ना करूं जो किसी ने पहले किया हुआ है हाँ। या अगर किया हुआ है तो मैं इसे बेहतर या फिर अपने तरीके में कैसे कर सकता हूं एंड हाउ डज इट फील जब आपने एक काम किया और वेरी नेक्स्ट डे आपको पता लगता है कि किसी और ने छापा मार लिया हाउ इज दैट फीलिंग लाइक क्या फील करते हो कि हाँ वैलिडेशन मिलती है या बुरा लगता है क्या फीलिंग होती है आई थिंक आई एम एट दैट पॉइंट इन माय करियर के ये तो तमाम चीजें मुझे बहुत ज्यादा बदर ही नहीं करती हैं तो बहुत खुश होता हूं वैलिडेशन मिलती है लेकिन ऑफ कोर्स आई फील सो हैप्पी के आई मस्ट बी डूइंग समथिंग राइट दैट पीपल अ लॉट पॉपुलर देन मी आर लुकिंग एट माय वर्क फॉर इंस्पिरेशन एंड आई फील प्राउड ऑफ दैट फैक्ट और आल्सो मेरा मेरे माय बॉडी ऑफ वर्क हैज एक्सपेंडेड सो मच बियॉन्ड जस्ट वेडिंग्स कि इट डजंट इवन मैटर मोर आई जस्ट वांट टू क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल दैट आई एम प्राउड ऑफ दैट्स इट ओके कितने तुम जेन्युइन बंदे हो ये सवाल बताएगा शादी का खाना आई लव शादी का खाना आई लव शादी का खाना अच्छा पैसे अच्छे मिलते हैं शादी के शोज के और खाना अच्छा होता है मैं ना अमूमन शादियों पे ना मेरे के कहते अह वजह एंग्जायटी बहुत ज्यादा होती है तो मैं के कहते बहुत कोनो-कोनो में रहता हूं हाँ। या तो मौजूद बहुत कम होता हूं या घरों में मौजूद होता हूं कि जहां तो से मैं नैरेटिव भी लेती हूं जाके हां केटरिंग किसकी है यार ये है सीन

मैंने खाए हैं एक शादी पे और वो क्या थे किसकी केटरिंग थी ये मुझे नहीं याद लेकिन मैं तुम्हें शादी बताऊंगी किसकी <laughs> तो तुम्हें पता चल जाएगा किसकी तो बाद में बताऊंगी तो वॉफल्स तो थे यार वो बहुत जबरदस्त थे किसी शख्सियत की शादी ये जो अभी रिसेंट हमारा हां

<laughs> थोड़ा सा ओके <laughs> okay, तो तुम क्या इवॉल्व करना चाहते हो अब या बाहर निकलना चाहते हो रत्ता मीडिया किसी और के हवाले कर देना चाहते हो जो तुम अब ये म्यूजिक वीडियोस की तरफ आ रहे हो आई थिंक म्यूजिक वीडियोस जो है वो एक आर्टिस्टिक आउटलेट है मेरे लिए ओके ठीक okay. है मेरे पास रिसोर्सेज अच्छे हो तो आर्टिस्ट अच्छे हो uh, शादियों से नहीं ओके शादियों से नहीं थका जा सकता क्योंकि हर दफा जब जाता हूँ है। है yeah, 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 हमारी उससे पहले मुलाकात हो चुकी थी हम कराची में मिले हैं एक शो के लिए वहाँ पर हम भी दो तीन दिन के लिए थे आप लोग भी थे लेकिन वहाँ पे बड़ी मुख्तर सी मुलाकात थी कोई इतनी गुफ्तु नहीं हो पाई थी देन हमें एक शादी का शो दिलवाया रत्ता ने और वहा पर रत्ता से मुलाकात हुई और जशान ने वहाँ परफॉर्म करना था और हम कितना नाचते रहे हैं वहाँ पर <laughs> बहुत मजा आया हाँ it was fun I know रिशांत <laughs> को पहली दफा क्या कहता है किसी शादी सिचुएशन में लाइव सुन रहा था हाँ। I was really happy about it like what dream come true you know हम पहले इतनी शादियां वादियां नहीं करते थे वो रेयर ये तुमने फर्स्ट शो दिया था और उसके बाद फिर पता नहीं कोई सिलसिला शुरू हो गया था

लाहौर oh, uh, yeah. yeah, so really में जो अभी लोग पहले मैं वहाँ पे कुछ ना कुछ खड़का दूँ <laughs> ये पॉडकास्ट <laughs> के बाद बताना पॉडकास्ट के बाद बताऊंगा बहुत सारी जगह हाँ, शादी के लिए बुक करो मैं बता दूंगा <laughs> 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 क्योंकि आई थिंक के इस तरह की जगह हमें और चाहिए वर्ल्ड सिटी वाले इजाजतें नहीं देते वहाँ पे बड़े मसले मसाइल हैं तो आज सिर्फ जब वर्ल्ड सिटी के अंडर नहीं आती है ना वो उसका डिफरेंट सीन है अलग yeah. से है वर्ल्ड सिटी के काफी मसाइल हो जाते हैं वी नीड मोर प्लेसेस लाइक दिस आसिफ जावेद वी डू वी डू हमें कल्चरल आउटलेट्स चाहिए आई थिंक दौरे हाजिर में जब सब कुछ खूबसूरत बनाना और और एक कंप्यूटर स्क्रीन पर इतना हो गया इत रिक्वायर्स अ फ्यू वर्ड्स सम इनपुट्स लाइव शोज का स्कोप जो है है बहुत ज़्यादा जाएगा ये मेरा मानना है कि इसके नतीजे में हम और ज़्यादा कॉन्सर्ट्स तो के, के साथ हवेली भी एक आर्ट स्कूल होना चाहिए था है है कॉलेज फॉर गर्ल्स उसकी भी हमें ज़रूरत ही ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रही हूँ लेकिन वो जो जगह है उसको ना उसका ख्याल भी रखने की जरूरत है बिल्कुल ठीक है उसकी एक मेंटेनेंस भी है और वो दुनिया को दिखाने की जरूरत है बिल्कुल आई आप बनाए उसको स्कूल ही लेकिन उसको आर्ट स्कूल कर देना तो चाहिए बहुत खूबसूरत है ना लेकिन जो आर्ट के अलावा दूसरी चीज़ें पढ़ते हैं मैं मैं समझता हूँ उनकी जिंदगी में खूबसूरती की ज्यादा कमी है क्योंकि वो कहीं देख नहीं सकते जो आर्ट पढ़ते कम अज़ कम वलाशते तो रहते हैं कि ये चीज़ है, वो चीज़ है, ये चीज़ 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 खूबसूरत खूबसूरत है 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 वो अच्छी लग रही जिंदगी हाँ। में है ही नहीं खूबसूरती देखने की नज़र ही नहीं का, कभी उन्हें सिखाई गई कि खूबसूरती की होती क्या उसके उसके एलिमेंट्स क्या तो फिर उन्हें उनके सामने भी रख दी जाए तो शायद उन्हें अप्रीशियशन ना हो लेकिन खूबसूरती की जरूरत तो है जिंदगी ओके सो अब हम क्या खाने वाले हैं स्मैश स्मैश ओके तो फिर ये पॉडकास्ट खत्म करते हैं ही ये तैयार नहीं हुई थी देखे जी, आप ये अपनी कि मैं आपके सामने बैठा और आप मेरा इंटरव्यू कर रही है कब आपको ये मौका मिलेगा और मैं जानते हैं मैं बहुत बड़ी चीज हूँ आपको पता नहीं है मुझे बताएं कि आप की धुलाई कितनी मरतबा होती है महीने में Oh! है। तुसी हम तो रोज लेते हैं। लेकिन हम इंसान है, ना? मैं आप कि आप नहीं है। तो आपकी क्या होती है मैं आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट में तशरीफ लाने के लिए The ओके थैंक यू सो मच एंड थैंक यू साथ फॉर कमिंग और बिल कौन पे कर रहा है स्मैश का <laughs> oh, मैं माना कुल्लू पूछ दिया तो हाँ जी, जी जी ऐसे ही है हम जहाँ जाते हैं हम उनसे पूछते हैं कि हमें क्या दोगे और जब हम कहीं पे आ, कोई हमारी तरफ आता हैं तो हम कहते हैं क्या ले लेके आए हो लाये कि तो कभी भी नहीं आया कुछ मैं हाँ एक बार ये बकलावा लाये सर

आया है ना मशहूर शख्सियत शख्स आपको हमें देना चाहिए आपको तो कोई नहीं बुलाता और हमने बुला लिया अभी या नहीं तेईस हो गए ना आ, हो गए हो okay, जब आपके हंड्रेड फॉलोअर्स हो जाएंगे फिर आपको पैसे देने के बारे में सोचेंगे तब तक कुछ भी नहीं बर्गर तो खिला दो मेरा हाँ चलो बर्गर खिला दो <laughs>